हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में अपने आरआरबी असिस्टेंट प्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पजल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है पजल। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। इसका अगर आप आइडियल टाइम की बात करते हो तो वो आपका एक से मैक्सिमम 1.5 मिनट होना चाहिए। और ये पज़ल अगर आपके इसमें एज कैलकुलेट ना करना होता, सिर्फ ईयर के बेसिस पे आप निकाल सकते थे, पज़ल को अपने सॉल्व कर सकते थे, तो ये विद इन 1 मिनट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए डायरेक्शन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 8% वन बॉर्न इन डिफरेंट ईयर। अब देखिए यहाँ पे आपके 8 ईयर मैंशनड है। आगे क्या बोल रहा है, बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। ओके, एजेस वर कैलकुलेटेड एज ऑन 2019। तो अब देखिए इसमें एज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो इसमें एम्स एज इज अ प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस है। और अगर ये वाला आपका मान लीजिए लाइन ना होता तो इसमें आपको नीड नहीं थी। ऑल्दो आपको क्वेश्चन में अगर देगा, बट फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी पजल में जो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है, कि आपको क्या नीड है भी कि एज कैलकुलेट करने की, क्या कि आप सिर्फ ईयर के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बट देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्राइम नंबर निकालना पड़ेगा। प्राइम नंबर आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं है कहाँ पे आएगा, दैट मीन्स आपको सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम अपनी ईयर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नीड नहीं है कि एग्जामिनेशन में आप पूरा 1976 लिखो। आप लिखोगे कैसे, आप बस यहाँ पे 76 लिखोगे, देन 79, देन 83, देन 88। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो आपकी एजेस दी हुई है वो, देखिए सॉरी, आपका जो ईयर दिया हुआ है वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट अगर एग्जामिनेशन में आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने टैबलर फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अब देखिए 88 के बाद क्या है, देन 92, देन 94, देन 01 एंड देन 15। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एजेस लिख लो। अब एजेस कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट जो सबसे बेस्ट तरीका है, और मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते होंगे, इसमें होता क्या है कि देखिए हमें किस हमारा बेस ईयर क्या दिया हुआ है, हमारा बेस ईयर हमें 2019 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले देख लो 2019 और 15 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 15 में से 19 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स आपके इस पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, इस पर्सन की एज 4 हो जाएगी। फिर आपको नीड नहीं है कि आप 2019 में से 2001 डिडक्ट करो, आप बस देख लो। जैसे इसमें तो चलिए आप इजीली कर सकते हो कि आप यहाँ पे 18 हो जाएगा, आपको जैसे तुरंत पढ़ के पता चलेगा। बट मान लीजिए अगर 94 होगा तो अब आपको नीड नहीं है कि आप 2019 में से 1994 ऐड करो। उसको देखिए आप करेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 01 और 015 में कितने का गैप है, 14 का गैप है। तो आप 4 में 14 ऐड कर दो, आप 4 में 14 ऐड करोगे तो आपका 18 हो जाएगा। यहीं पे आप अगर 94 और 01 की बात करते हो तो इन दोनों में कितना गैप है, इन दोनों में आपका 7 का गैप है। दैट मीन्स आप 18 में 7 ऐड कर दो, 18 में 7 ऐड करोगे तो वो 25 हो जाएगा। सिमिलरली आपका 92 और 94 में 2 का गैप है, दैट मीन्स आप 25 में 2 ऐड कर दो तो ये 27 हो जाएगा। 88 और 92 में कितना गैप है, इन दोनों में 4 का गैप है, तो आप 27 में 4 ऐड कर दो, दैट इज 31 हो जाएगी इसकी एज। फिर 83 और 88 में 5 का गैप है, दैट इज 31 में 5 ऐड कर दो तो ये 36 हो जाएगा। 79 और 83 में कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो 36 में आप 4 ऐड कर दो तो ये आपका 40 हो जाएगा। एंड एट लास्ट 76 और 79 में 3 का गैप है, तो आप 40 में 3 ऐड कर दो तो आपका 43 हो जाएगा। तो देखिए आप जल्दी से एजेस भी इसी तरह एग्जामिनेशन में कैलकुलेट कर लेना। आगे क्या बोल रहा है, एम इज अ प्राइम नंबर। तो अब देख लेते हैं इसमें प्राइम नंबर कौन से है। 43 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है। 40 है, नो। 36 नो, 31 यस, 27 नो, 25 नो, 18 नो, 4 नो। ठीक, तो यानी इसमें हमें सिर्फ 2 मिल रही है प्राइम नंबर, एक 43 और एक 31। दैट मीन्स ईदर एम कैन कम हियर और इन केस एम कैन कम हियर। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1% वॉज बॉर्न बिटवीन क्यू एंड बी। तो अब देखिए इसको आप अभी क्या यहाँ पे सेट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि हमें ना ही तो डेटा रिगार्डिंग है क्यू के और ना ही तो बी के दिया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो आप इसको होल्ड पे रख लो कि क्यू और एक पर्सन हो जाएगा और बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप और लिख लो, और क्यों लिख लो, इधर आपका बी भी पहले आ सकता है और इधर आपका क्यू भी पहले आ सकता है। अब आपको पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इस तरह और लिख लोगे। फिर क्या बोल रहा है, 3% वर बॉर्न बिटवीन एम एंड एफ। तो अब देखिए एम फिक्स है तो आप एफ फिक्स कर लो, 1, 2, 3% छोड़कर एफ यहाँ पे, एम 1, 2, 3% छोड़कर एफ यहाँ पे। क्या एफ आपका ऊपर जा सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3% है, बट हमें 3% के बाद एफ की पोजीशन चाहिए। तो इस केस में भी आपका एफ नीचे आ जाएगा, यहाँ तक हो गया। फिर क्या बोल रहा है, पी वॉज बॉर्न बिफोर डी। तो अब यहाँ पे क्या अभी आप सेट कर सकते हो, नहीं तो इसको भी होल्ड पे रख लेते हैं कि पी आपका पहले होगा, किसके पहले होगा, डी के पहले होगा। फिर क्या बोल रहा है, डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एल। तो एल के इमीडिएटली आफ्टर कौन है, एल के इमीडिएटली आफ्टर आपका डी है, तो आप इस तरह लिख लो। फिर क्या बोल रहा है,
सॉरी, पी वॉज नॉट बॉर्न इन 1983, दैट मीन्स आपका पी यहाँ पे नहीं आएगा और इस केस में भी आपका पी यहाँ पे नहीं आएगा, बट अभी भी देखिए पी की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, तो अभी हम इसको सेट नहीं कर सकते कि आपका पी कहाँ आएगा, डी कहाँ आएगा। फिर क्या बोल रहा है, बी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू, अब इमिडिएट भी हो सकता है या कुछ गैप के भी, तो आप इसको लिखोगे कैसे कि क्यू के बाद होता है, क्यू के बाद कौन होता है, बी होता है, ठीक है। फिर क्यू इज़ नॉट द एल्डेस्ट, दैट मीन्स क्यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप मार्क कर लो। फिर क्या बोल रहा है, एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर पी एज वर बॉर्न आफ्टर डी, तो यानी पी के पहले जितने पर्सन आएंगे उतने ही कितने आएंगे, उतने आएंगे डी के बाद। तो देखिए यहाँ पे एक ये बोल दिया पी और डी के रिगार्डिंग, और यहाँ पे एक चीज़ ये बोली थी कि पी ऊपर आएगा डी के, तो देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आप देखिए जब भी दे कि पी के ऊपर उतने ही पर्सन है जितने डी के पर्सन है, तो आप इसको सेल्फ अज्यूम मत कर लेना कि पी हमेशा ऊपर आएगा। देखिए इस केस में इसको समझते हैं, ऑल दो यहाँ पे हमें मैंशन है, बट मान लीजिए अगर हमें ये चीज़ मैंशन ना होती तो इसमें पी और डी की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती। इंक का थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। ये ब्लू इस पे दिखेगा नहीं, इसको ब्लैक कर लेते हैं। देखिए इसमें कैसे केस बनता कि जैसे बोल दिया मान लीजिए पी के ऊपर उतने ही पर्सन आएंगे जितने डी के, और हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन होती, ठीक है, जो कि इस केस में है। देखिए अगर आपका पी यहाँ पे हो जाता, अब पी के ऊपर कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन है। अब हम डी के नीचे 1 2 3 4 5, आप डी यहाँ लिख सकते हो। अभी भी देखिए अगर आप कैलकुलेट कर कर देखो तो पी के ऊपर जितने पर्सन आ रहे हैं उतने ही डी के नीचे आ रहे हैं, बट देखिए इसमें क्या आपका पी ऊपर आ रहा है, नहीं, इसमें तो आपका डी ऊपर आ रहा है, बट देखिए यहाँ पे तो मेंशन था पी ऊपर आएगा और डी नीचे आएगा ना। तो देखिए इस केस में यही चीज़ आप एक दिमाग में रखना कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये मेंशन ना हो कि पी ऊपर आएगा डी के, तो इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि डी ऊपर आ जाए पी ऊपर आ जाए। आप इसको सेल्फ अज्यूम मत कर लेना कि हमेशा पी ऊपर आएगा और डी नीचे आएगा, इसमें दो केस बनते हैं, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में अपने रखना। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें तो यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन है कि आपका पी ऊपर आएगा और डी आपका ऊपर आए डी नीचे आएगा, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपका पी और डी आ कहाँ सकते हैं। तो देखिए पी एक केस तो यहाँ पे नहीं आएगा, अगर पी आपका यहाँ पे आएगा तो 1% छोड़कर डी, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फिर अगर पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, दैट मीन्स पी अगर यहाँ पे रखते हो तो 3%, तो क्या यहाँ पे 3% छोड़कर डी यहाँ पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ है, दैट मीन्स आपका पी यहाँ पे नहीं आएगा, यानी फिक्स हो गया कि आपका पी यहाँ पे हो जाएगा और आपका डी कहाँ हो जाएगा, आपका डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस केस की अगर बात करते हो तो अगर पी यहाँ पे है तो क्या डी यहाँ पे पॉसिबल है, नो, नॉट पॉसिबल। पी अगर यहाँ पे है तो 1% छोड़कर डी बिल्कुल पॉसिबल है, पी यहाँ पे आ नहीं सकता। और अगर आप पी को यहाँ पे रख दोगे तो वही फिर ऊपर नीचे की बात हो जाएगी कि आपका डी ऊपर को डी ऊपर आना पड़ेगा, दैट मीन्स इस केस में भी पी की बस एक यही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन अपनी यूज़ कर ली उसको हम काट देते हैं, ये भी हमने इरेज कर दी। फिर क्या बोल रहा था, एल इमीडिएट अबव आएगा डी के, तो दैट मीन्स एल यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में आपका एल यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप काट दो। फिर क्या बोल रहा है, क्यू नीचे आएगा बी के, तो देखिए यहां पे जो हमने और वाली पॉसिबिलिटी लिखी थी कि कौन कहां पे ऊपर नीचे आएगा, अब ये तो फिक्स हो गया ना कि क्यू बी के ऊपर आएगा, दैट मींस आप और कोई रेस कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए क्यू और क्या 1% छोड़कर बी के लिए कोई भी स्पेस है, और यहाँ पे अगर क्यू रखते हो 1% छोड़कर, बट नहीं, यहाँ पे तो 3%, दैट मीन्स आपका ये केस ही एलिमिनेट होता है। यहाँ की अगर बात करते हो तो क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, दैट मीन्स क्यू आपके लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची, तो क्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे, और इस केस में आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1% बचा कौन, यहाँ पे 1% अभी हमें नाम मेंशन नहीं है, तो चलिए आइए मेंशन नहीं है, मे बी हमें क्वेश्चन में उस इंडिविजुअल के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा। तो चलिए आइए इसके रिगार्डिंग जो हमारे 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एल्डेस्ट, तो देखिए इसमें ऑल दो यहाँ पे सोल्यूशन में एन लिखा हुआ है, बट आपको इसको एग्जामिनेशन में अगर चेक करना हो तो चेक आप कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पे आपका बी, बी आपका प्रेजेंट है और ये एल्डेस्ट भी नहीं है, ठीक। क्यू, क्यू आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी एल्डेस्ट नहीं है। एम, एम की बात करते हो, एम प्रेजेंट है और ये एल्डेस्ट भी नहीं है। बट एन, एन क्या कहीं पे यहाँ पे मेंशनड है, नहीं मेंशनड है, तो यानी आपका वो पर्सन हो कौन सा जाएगा, वो पर्सन आपका एन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन बी एंड एफ, तो देखिए आपका बी यहाँ पे है, आपका एफ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें रिलेशन के बारे में पूछ रहा है कि इफ़ एन इज़ रिलेटेड टू एम, तो देखिए जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप मार्क कर लिया करो, मार्क करने से आपको एग्जामिन में बहुत इजी वे हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एन इज़ रिलेटेड टू एन, तो देखिए एन यहाँ पे है, एम यहाँ है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है।
ठीक, फिर क्या बोल रहा है, क्यू एंड एल का रिलेशन, फिर क्यू आपका यहाँ पे, एल यहाँ पे, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में भी 2% है, ठीक है। फिर पूछ किस करा, इन द सेम वे बी इज़ रिलेटेड टू विच, तो देखिए बी यहाँ पे 2% छोड़कर कौन है, एफ है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर बी, तो देखिए बी यहाँ पे, बी के बाद कितने पर्सन है, 3% है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। फिर क्या बोल रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो देखिए इसमें भी ऑड वन आउट की बात है, तो इसको भी हम अपने मार्क कर लेंगे कि सबसे इस जितने ऑप्शन दिए इनको मार्क कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एल, दैट मीन्स एल यहाँ पे प्रेजेंट है, देन आपका पी है, देन आपका बी है, देन आपका एन है, एंड देन आपका एम है। तो अब देखते हैं इसमें हमारे ऑड वन क्या है, तो इसकी अगर आप बात करते हो तो ये आपका ऑड हो गया, देन आपका पी क्या हो गया, पी आपका इवन हो गया, एम की बात करते हो तो एम आपका ऑड हो जाएगा, बी भी आपका देखिए ऑड हो जाएगा, एल भी आपका ऑड हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको नीड नहीं थी कि आप बी और एल को भी चेक करो, क्यों नहीं नीड थी, क्योंकि देखिए तीन का अगर आपने चेक किया और मेजॉरिटी क्या था, मेजॉरिटी आपका था ऑड के साथ और एक आपका इवन था, दैट मीन्स आपका यही तो एक होगा ना जो ऑड वन, मतलब इसको आप दूसरे वाले ऑड से नहीं करना, ऑड इन सेंस यही तो अलग होगा ना जिसमें बोला था कि विच डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, वो पी ही हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए तीन में से अगर मेजॉरिटी आपके दो आपके ऑड हो जाते हैं और एक इवन होगा, तो आप इसमें से बताओ कि कौन सा आपका ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा, ऑब्वियसली इवन वाला, क्योंकि ऑड वाले की तो वोटिंग दो हो गई, इवन वाले की कितनी हो गई, एक वोटिंग हो गई, दैट मीन्स आपको नीड नहीं थी इसको चेक करने की, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो, इसके भी आइडियल टाइम की बात करते हो तो वो 1 से 1.5 मिनट होगा एंड नॉट मोर देन दैट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 12% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है 12% की बात हो रही है, 2 रो में बैठ रहे हैं, पर्सन के नाम क्या है, पी क्यू आर एस एक्स एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन रो 1 एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, तो जो नॉर्थ में बोल रहा है उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में बना लो और जो साउथ के में बोलेगा उसको हम साउथ में बना लेंगे, तो ये सब नॉर्थ फेस कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरी वाली रो हम बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नाम लिख लो पी क्यू आर एस एक्स एंड डब्ल्यू, सिमिलरली आगे पढ़ते हैं एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है तो ये सारे आपके नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे हैं, जी एम डी एफ के एंड टी आर सिटिंग इन रो 2 एंड दे आर फेसिंग साउथ, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख लो जी एम डी एफ के एंड टी, और ये सब कहाँ देख रहे हैं, ये सब आपके साउथ देख रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, ऑल दी अबव इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओके। फिर क्या बोल रहा है, के फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो इसमें बोल क्या रहा है, के उसको फेस कर रहा है जो सेकंड लेफ्ट बैठता है, किसके बैठता है, आर बैठता है, अब आर हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, दैट मीन्स हमारा लेफ्ट आर का लेफ्ट होगा, आर का राइट हमारा राइट होगा, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बना लो कि के को वो पर्सन फेस कर रहा है जो सेकंड लेफ्ट बैठ रहा है आर के, तो यानी आर यहाँ पे आपका आ जाएगा, अब यहाँ पे 2% है तो आप 2% यहाँ भी ड्रॉ कर लो, ठीक। अभी स्टार्टिंग में हम अपनी एक ही पॉसिबिलिटी लेंगे, आगे जैसे हमें नीड होगी हम बढ़ा लेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दी वन हु फेसेस डी, अब x किसका नेबर है, अब x कौन सी लाइन में आएगा, x इस लाइन में आएगा कि x इस लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा, तो दैट मीन्स आप यहीं पे नीचे लिख लो कि x इज एन इमीडिएट नेबर, यानी x इमीडिएट नेबर है ऑफ दी वन हु फेसेस d, तो यानी अगर इसको ऐसे आप बनाओ कि d का मान लीजिए जो भी नेबर है द वन हु फेसेस डी, तो दैट मीन्स डी को जो फेस कर रहा है एक्स उसका नेबर है, तो एक्स यहाँ भी आ सकता है और इधर एक्स कैन कम हियर, ठीक है। अब कौन सा नेबर है, लेफ्ट वाला नेबर कि राइट वाला नेबर, तो अभी हमें पता नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, 2% सेट बिटवीन के एंड डी, तो देखिए के 2% छोड़कर डी यहाँ भी आ सकता है, इस केस में के 2% छोड़कर डी यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ पे हम अपने 2 केस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1, 2, 3% और यहाँ भी 1, 2, 3, आर आपका यहाँ पे हो जाएगा और के आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। फिर क्या बोल रहा था, 2% सेट बिटवीन के एंड डी, तो यानी के यहाँ पे, 2% छोड़कर डी को आप यहाँ पे बैठा लो, इस केस की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे बैठा लो 2% छोड़कर डी। अब इस केस की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे टोटल पर्सन हो कितने गए, यहाँ पे टोटल तो 6% हो गया, यानी अब यहाँ पे एक भी पर्सन बढ़ेगा नहीं, इसकी बात करते हो तो इसमें भी 4 ही पर्सन हुए, ओके। फिर क्या बोल रहा है, 3% सेट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, तो देखिए यहाँ पे आप बैठा सकते हो क्यू या डब्ल्यू को, अभी तो सबसे पहले हम एक्स को बैठाते हैं इस केस में कि डी का जो फेस कर रहा है उसका नेबर है एक्स, तो देखिए डी को फेस कर रहा है ये पर्सन, अब इसका नेबर इधर तो कोई आ नहीं सकता है, तो यानी डेफिनेटली इधर ही आएगा। इस केस की अगर आप बात करते हो तो डी और यहाँ पे देखिए इसको जो फेस कर रहा है यहाँ पे एक्स आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, बट डी को जो फेस कर रहा है यहाँ पे क्या एक्स आ सकता है, नहीं, बट एक्स आएगा, डेफिनेटली ये ट्रू है, तो दैट मीन्स आप एक्स को यहाँ पे लिख लो, ठीक है।
एक से यहाँ पे हो गया, फिर क्या बोल रहा है 3% सेट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। तो देखिए इस केस की अगर बात करते हो तो यहीं पे क्यू और डब्ल्यू आएगा, तो देखिए क्यू या डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3% क्यू या डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर क्यू या डब्ल्यू को यहाँ पे लिखते हो तो 1, 2, 3 यहाँ पे परसेंट नहीं खत्म हो गया और यहाँ पे आप बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे 6% है। यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पे देखिए इधर 1% यहाँ पे भी आ सकता है, इधर 1% यहाँ भी आ सकता है एक्स के पास, क्योंकि यहाँ पे भी ऑन टोटल सिर्फ 5% है। तो इस वाले केस में तो ऑल्दो हम लिख सकते हैं तो हम लिख लेते हैं क्यू या डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, देन 1, 2, 3% छोड़कर क्यू या डब्ल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हो तो यहाँ पे आप लिख लो क्यू या 3% छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पे, यहाँ पे और लिख लो क्योंकि कौन किसके लेफ्ट राइट में ये आपको पता नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, के डज नॉट सेट एट एनी ऑफ द एंड। तो देखिए इस केस में तो ये चीज़ ट्रू हो रही है कि के आपका एंड पे नहीं बैठ रहा, के आपका कहीं पे बीच में बैठ रहा है, बट इस केस में तो के आपका एंड में आ जाएगा। अब के को एंड पे नहीं लाना, दैट मीन्स यहाँ पे 1% बैठा लो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 1% यहाँ पे बैठाया तो यहाँ पे टोटल कितने परसेंट हो गए, यहाँ पे टोटल आपके 6% हो गए। तो वो आप क्यू और डब्ल्यू को देख लो कहाँ पे बैठेंगे। तो देखिए अगर क्यू या डब्ल्यू को आप यहाँ पे रखते हो, 1, 2, 3% क्यू या डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएंगे, और तो कोई केस बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। तो आपका क्यू या डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, 1, 2, 3% छोड़कर क्यू या डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इसको भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, टी फेसेस क्यू। तो देखिए क्यू आपका यहाँ पे आ सकता है, क्यू आपका यहाँ पे आ सकता है, बट ये चीज़ डेफिनेट है क्यू को फेस कौन कर रहा है, दैट मीन्स क्यू के सामने कौन बैठ रहा है, टी। तो देखिए आप यहाँ पे तो टी को नहीं रख सकते ना, क्योंकि डी तो आपका डेफिनेट है। आप हटा किसको सकते हो, आप क्यू को हटा सकते हो, तो आप यहाँ से क्यू को हटा दो क्योंकि आपका टी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। तो क्यू आपका यहाँ से हट जाएगा, दैट मीन्स आपका डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा और क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट मीन्स आपका टी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो क्यू को फेस कर रहा है। इस केस की भी बात करते हो तो देखिए यहाँ पे ऐसे आप डी तो नहीं हटा सकते हो ना, तो जो चीज़ डेफिनेट नहीं है उसको हटा दो, दैट मीन्स आप क्यू को हटा दो। इस केस में आप क्यू को फिर यहाँ पे फिक्स कर दो क्योंकि आपका डब्ल्यू ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, देन आपका टी यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है आगे, एस फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है तो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, हमारा राइट उसका राइट होगा, बट इन केस अगर साउथ वाले किसी पर्सन की बात होगी तो आप उसको कर कैसे सकते हो। मे बी आपकी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो मेरे बताने से, बट आप एक बार मैं जैसे बताती हूँ जिन तरीकों से, आप उसको अप्लाई कर कर देखना। इसमें देखिए आप इसको राइट को राइट पढ़ोगे नहीं, आप इसको पढ़ोगे कि आप इसको साफ साफ इसको लेफ्ट पढ़ोगे। स्क्रीन में भी जैसे ही आपने देखा, एस फेसेस दी वन हु सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ एफ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो एफ फेस किस कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर एफ आपका साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो आप राइट को राइट मत पढ़ो, आप राइट को लेफ्ट पढ़ो। अगर आप राइट को लेफ्ट पढ़ोगे तो उसको आप बनाओगे कैसे कि एस फेसेस द पर्सन, दैट मीन्स एस आपका यहीं पर आएगा, एस फेसेस दी पर्सन हु सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ एफ, दैट मीन्स यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा 1, 2, 3, इसके थर्ड लेफ्ट एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मे बी आपका तरीका अलग हो और मे बी आपको मेरी ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगे कि इसको पढ़ना, या बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से करते होंगे कि राइट को लेफ़्ट पढ़ लो। देखिए आप पर्टिकुलरली करते क्या हो, करते तो चीज़ें आप ऐसे ही हो, बट आपको अपना टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आप करोगे क्या कि आप इसको सोचो मत, आप बस जैसे ही देखो कि एफ़ बैठा कहाँ है। अगर एफ़ के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि एफ़ के राइट या लेफ़्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप सबसे पहले देख लो एफ़ बैठा किधर है। एफ़ अगर आपका नॉर्थ फेस कर रहा है तो जो क्वेश्चन में मैंशन है आप उसी को वैसे ही पढ़ो, बट अगर एफ़ आपका साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो आप राइट को लेफ़्ट बना दो, लेफ़्ट को राइट बना दो, ठीक है। तो देखिए एक हमारा ये डेटा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको फिक्स करके देखते हैं। देखिए एस यहाँ पे आ सकता है और इधर एस कैन कम हियर, बट अगर आप एस को यहाँ पे रखते हो 1, 2, 3 एफ बिल्कुल पॉसिबल है। एस को यहाँ पे रखते हो यहाँ पे 1% आ जाएगा, 1, 2, 3 क्या एफ पॉसिबल है, नहीं, दैट मीन्स एस के लिए सिर्फ एक ही स्पेस बचा, एस यहाँ पे हो जाएगा, तो 1, 2, 3 एफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस केस की बात करते हो, एस अगर यहाँ पे रखोगे 1, 2, 3 एफ नॉट पॉसिबल, बट अगर एस को यहाँ रखोगे तो 1, 2, 3 एफ बिल्कुल पॉसिबल है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, नीदर एक्स नॉर एस फेसेस एम। तो देखिए इस केस में एम आपका यहाँ पे आ सकता है, एम यहाँ आ सकता है, इस केस में भी एम यहाँ पे हो सकता है, एम यहाँ पे हो सकता है, बट क्या एम आप इस केस में कहीं भी इन दोनों प्लेसेस पे बैठा सकते हो, नहीं, क्योंकि हमारी लास्ट लाइन बोल क्या दी कि एम फेस नहीं करता किसको, एक्स या एस को। तो यहाँ पे एक्स बैठा है, यहाँ पे एस बैठा है, दैट मीन्स आपका ये रॉन्ग हो गया।
यहाँ की बात करते हो तो आपका एम यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो एस को फेस नहीं करता और एक्स को तो ऑलरेडी एफ फेस कर रहा है, तो यहाँ की तो कोई बात ही नहीं। दैट मीन्स एम आपका हो कहाँ जाएगा, एम आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्सन देख लेते हैं हमारा पर्सन बचा कौन है, तो हमारा पर्सन जी बचा है, और इस केस की आप बात करते हो तो हमारा वो पर्सन बचा है पी। तो देखिए ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अब चलिए इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, जितने भी आपको पर्सन के बारे में मैंशन है उनको आप मार्क कर लो। एम हो गया, देन आपका आर हो गया, देन आपका डी हो गया, देन आपका जी हो गया, एंड देन आपका एक्स हो गया। तो देखिए इसमें आप देखोगे एक्सेप्ट एक्स सारे आपके अंदर बैठे हैं, कोई भी आपके एंड्स पे नहीं बैठा, पर एक्स आपके एंड पे बैठा है। दैट मीन्स इस केस में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड दी वन हु फेसेस डब्ल्यू। तो देखिए इसमें इसको इरेज कर लेते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु फेसेस डब्ल्यू। तो देखिए जी एंड द वन हु फेसेस डब्ल्यू, दैट मीन्स डी के बारे में बात हो रही है, दोनों के बीच में कितने पर्सन है, एक ही पर्सन है दो, जो कि है एम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी इज रिलेटेड टू एस। तो देखिए टी आपका यहाँ पे, एस यहाँ पे, इन दोनों का रिलेशन आप देखना चाहो तो टी का जो फेस कर रहा है उसके सेकेंड राइट कौन है, एस बैठा हुआ है। फिर आगे क्या बोल रहा है, जी इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो आपका जी यहाँ पे है और आपका डब्ल्यू यहाँ पे, दैट मीन्स जी को जो फेस कर रहा है उसके सेकेंड राइट डब्ल्यू है, ओके है, बिल्कुल है। फिर क्या बोल रहा है, इन द सेम वे एम इज रिलेटेड। अब देखिए एम का रिलेशन निकालना है कि एम इसी तरीके से किस पर्सन से रिलेटेड है। तो देखिए एम को कौन फेस कर रहा है, आर। अब आर के सेकंड राइट कौन है, आर के सेकंड राइट एक्स है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। फिर क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस जी। तो जी को कौन फेस कर रहा है, जी को आपका फेस कर रहा है एस, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ के। तो देखिए अब जैसे ही आपने देखा यहाँ क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पे अपने रफ शीट में एग्जामिनेशन में देखोगे कि के की बात हो रही है और के फेस कहाँ कर रहा है, कि आपका साउथ फेस कर रहा है, तो आप इसको क्या लेफ्ट को लेफ्ट पढ़ोगे, नहीं हम तो लेफ्ट को राइट पढ़ेंगे। जैसे स्क्रीन में हम देखेंगे कि के है और लेफ्ट है, तो और के हम देख लेंगे कि के हमारा साउथ में है, तो हम लेफ्ट को क्या बना लेंगे, लेफ्ट को हम राइट बना लेंगे। तो के वन टू थ्री फोर्थ, फोर्थ राइट कौन है, एफ है, तो ये ऑप्शन मिल रहा है। बट आप यहाँ पे अगर ऑप्शंस अपने देखोगे तो यहाँ पे एक डी ऑप्शन है जिसमें बोथ बी एंड सी है, तो एक तो हमारा मैच कर गया, दैट मीन्स हमें सी को भी चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, द वन हु फेसेस एक्स, तो एक्स को फेस कर रहा है, हाँ बिल्कुल एफ फेस कर रहा है एक्स को, तो यानी इस केस में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये हमारे 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चन थे, और इसमें मैं आपको एक चीज़ लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि ऑल दो आज मैंने हमारे जो क्वेश्चंस थे, जो हमारे पजल के क्वेश्चंस थे, उसको मैंने सिर्फ इंग्लिश वर्जन में रखा था, बट मैं कल से बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं इसको हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेंगे क्वेश्चंस। एक्सप्लेन मैं हिंदी में ही करती हूँ नो डाउट, बट जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो बोथ लैंग्वेज में रहेंगे, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो कि डिमांड में भी रहता है कि आप क्वेश्चंस हिंदी में भी पोस्ट करो, तो वो भी उनकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। तो कल से मोस्ट प्रोबेबल यही होगा कि मैं क्वेश्चंस हिंदी में भी रखूंगी अपने स्लाइड्स में और इंग्लिश में भी, ताकि बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स उसको ईजिली देख सके, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।